एवरीवन, कुछ दिनों पहले मैंने मॉनसून स्किन केयर रूटीन पे एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने वीकडेज और वीकेंड्स के स्किन केयर रूटीन के बारे में बात की थी। और अभी कुछ वक्त पहले ही मैंने वीकडेज वाला जो स्किन केयर रूटीन है उससे रिलेटेड मैंने प्रोडक्ट्स मंगाए थे और उनको अनबॉक्स भी करके एक वीडियो बनाया था। तो अब मैं वो जो प्रोडक्ट्स हैं क्लेंजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग रूटीन के जो प्रोडक्ट्स मैंने ऑर्डर किए थे उनको मैं प्रैक्टिकली यूज करके डेमोन्स्ट्रेशन देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हर स्किन केयर रूटीन में CTM यानी कि क्लेंजिंग टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है और ये रूटीन बहुत ही आसान होता है, जल्दी हो जाता है। तो चलिए फटाफट से इसका रिव्यू शुरू करते हैं। गाइज, मैंने शॉवर ले लिया था और शॉवर में ही मैंने ये प्लम का फेस वॉश यूज़ किया था फेस और नेक पर अच्छी तरह से। अब मैं क्लेंज़र यूज़ कर रही हूँ, ये स्प्रे फॉर्म में है और इसको मैं अपने फेस पे स्प्रे कर रही हूँ अच्छी तरह से, फेस और नेक पे भी। और अब मैं कॉटन से सबसे पहले अपनी आंखें साफ कर रही हूँ ताकि मैं आंखें खोल सकूँ, क्योंकि इसका थोड़ा सा टिंगलिंग सेंसेशन है। अब बस मैं पूरा फेस अपना क्लीन करूँगी, लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें कि जब कॉटन आप यूज़ कर रहे हैं तो जो पार्ट उसका अब मैला हो गया है तो उस पार्ट को आपको पूरे फेस पर नहीं फेरना है, उसको पलट के आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर पूरी कॉटन गंदी हो चुकी है तो फिर दूसरी कॉटन, फ्रेश कॉटन यूज़ करें। अब मैंने फ्रेश कॉटन लेके बाकी का चेहरा मैं साफ कर रही हूँ। अब गर्दन को भी अच्छी तरह से साफ कर रही हूँ। फिर अब मैं यूज़ कर रही हूँ प्लम का ही टोनर है और ये भी स्प्रे फॉर्म में है। इसको पूरे फेस और नेक पे मैं स्प्रे करने वाली हूँ। गाइज, ये जो सारे प्रोडक्ट्स हैं अगर आप इन्हें इस्तेमाल करना चाहें तो मैं ज़रूर इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। अब अपने हाथों से मैं डैब करूँगी अपने पूरे चेहरे पर, इस टोनर को डैब करूँगी और नेक पर भी। अब मैं इसे सूखने दूंगी ताकि मैं आगे का प्रोसेस कर सकूं। अब मैं यूज़ कर रही हूँ सिरम और ये है लॉरियल का हायलुरॉन मॉइस्चर सिरम। बस इस ड्रॉपर से प्रोडक्ट को पिकअप करूंगी और अपने फेस पे जहाँ जहाँ मुझे यूज़ करना है, वैसे पूरे फेस पर ही यूज़ करना है तो मुझे हर जगह ड्रॉप्स इसके डालनी होंगी। और गाइज, ये बहुत जल्दी चेहरे में एब्जॉर्ब हो जाता है, बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। तो आपको हो सकता है बार बार इसे लेना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब चेहरे के हर पार्ट के लिए मुझे लगता है कि एक एक ड्रॉप आपको लगानी पड़ेगी। फिर अब मैं यूज़ कर रही हूँ मॉइस्चराइज़र, ये भी लॉरियल का हायलुरॉन मॉइस्चर वाला डे क्रीम है और इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। इसके अंदर भी एक टिंगलिंग सेंसेशन होता है, जैसे कि कुछ मिंट वाले प्रोडक्ट्स हम यूज़ करते हैं तो एक तेज़ी सी फील होती है ना चेहरे में, मतलब वो सब इसीलिए है कि वो चीज़ मतलब जो मॉइस्चराइज़र है वो चेहरे में स्किन में अब्जॉर्ब हो रहा है तो उसका ये एक्शन है, तभी आप फील कर सकते हैं, मतलब इवन ब्लड फ्लो आप फील कर पाएंगे, आपको लगेगा हाँ ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है और इंस्टेंट ग्लो आ रहा है। अब लिप्स को भी ज़रूर मॉइस्चराइज करें। और बस अब फाइनली मैं तैयार हूँ, ये मेरा स्किन केयर हो चुका है और नेचुरल ग्लो मेरे फेस पे दिख रहा है, एकदम साफ। पर सफाई और जो ग्लो दिख रहा है उससे ज़्यादा ना मैं जो फील कर रही हूँ ना, एकदम नॉन स्टिकी वाला ये फील है और एकदम फ्रेशनेस मैं फील कर रही हूँ अपने आप में, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ये रूटीन तो रोज फॉलो करने वाली हूँ गाइज। सो गाइज, इस सिंपल से रूटीन के साथ आप अपनी अच्छी तरह से स्किन केयर कर सकते हैं, वो भी स्पेशली मॉनसून सीजन में। तो जरूर मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा और मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं और किन चीजों पर वीडियोस बना सकती हूँ। और गाइज, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो जरूर उनको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।